Welcome back to another episode of Thought Behind to Things. Today a very important meeting after I'm going to power through this conversation. We have with us today, Muhammad who is the CEO of Al Alamizan Investments. Uh, and, uh, you know, he's been doing this for almost 25-26 years. Um, sir, thank you so much for being part of the show. Thank you. Thank you very much. Shoaib uh, Sahib, can you tell us a little bit about how did you end up in this particular uh, you know, domain that, you, that you're in? जी बिल्कुल तो so, मैंने अपना अपने करियर में जब मैंने अपना स्टार्ट करने से पहले बना आई वॉज डूइंग माई एजुकेशन तो माई फील्ड वॉज कॉमर्स आई डिसाइडेड शुड डू माई एम बी राइट और एम मैंने किया बी बी एनर्स एंड एम बी ए किया आई बी एस से राइट दिस वॉज नाइन टू नाइन एट सो उस एटी एट के बाद जब मैंने ग्रेजुएट किया तो कुछ सोचा कि भाई कुछ एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेना बहुत ज़रूरी है एक दो तो साल के लिए बिफोर आई डिसाइड के वे टू गो तो एक एक दो जगह जॉब किया कुछ मज़ा नहीं आया कुछ आईबीए की तरफ से रिक्वेस्ट आई कि कुछ पढ़ा दें स्टूडेंट्स को एक अद्ध अच्छा सेमेस्टर पढ़ाया भी उसके बाद आई ज्वाइन पाकिस्तान को इन्वेस्टमेंट कंपनी एंड माय डिपार्टमेंट वॉज कैपिटल मार्केट्स इन्वेस्टमेंट्स तो जब मैंने इन्वेस्टमेंट के एरिया में आया तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा बहुत एट्रेक्टिव लगा और हमने फिर अलपाक अलपाकद के लिखा में पाँच साल तक काम करता रहा उनके पोर्टफोलियो को मैनेज करता रहा वहाँ से फिर एक थिंकिंग डेवलप हुई कि जब हम एक चीज़ में हमारी एक एक्सपर्टीज़ है हम खुद अपने लिए पैसे मैनेज करते हैं तो वाई नॉट टू तो बेनिफिट दी अदर इन्वेस्टर्स ऑल्सो फ्राम दिस एक्सपर्टीज़ तो ये फिर अलमीज़ान इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट वहाँ डेवलप हुआ और फिर हमने इस कंपनी को लॉन्च किया मुझे इसकी ज़िम्मेदारी सौंपी गई कि आप इस कंपनी को बनाएं तो फ्रॉम अ वेरी स्मॉल स्केल स्टार्टेड विद थ्री एम्प्लॉज़ ना mashallah, we अबाउट 650 हंड्रेड फिफ्टी एम्प्लॉज वी आर एक्चुअली वन रूम ऑफिस ना वी अबाउट 25 फाइव और हमने जब स्टार्ट किया था तो हमारे पास जो ऑबली बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स थे एक जो फोटल फंड था वो ढाई मिलियन रुपए का था अब माशाल्लाह से ओवर द इयर्स इट इज़ ग्रोन टू टू बिलियन रुपीज़ एंड वी आर दार्जेस्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनी इन पाकिस्तान

Um, unfortunately, you know, people feel like invest karenge, paisa doop jayega, bas bank account mein rakh le, bank account mein bhi bahut kam log rakh rahe hain, actually sandukon mein rakh rahe hain paisa aur, not realizing it's getting devalued. Uh, potentially, agar ek insan kehta hai, and I was talking to a colleague yesterday and, you know, she was asking me ke, and the first thing she asked me was, you know, property ke invest karenge, mere baas paise save hona shiro ho gaya hai, you know, and where, where do I go? And she had absolutely no idea what her options are. सो so, अगर फॉर एग्जांपल मैं आता हूँ आपके पास और मैं कहता हूँ कि सर मुझे इनो महीने के पचास हज़ार रुपये मुझे सेव करने इन्वेस्ट करने व्हाट आर द डिफरेंट ऑप्शंस आई हैव जी असल में बात यह आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पाकिस्तान में सेविंग का रेट बहुत कम है और इस वक्त जो रिपोर्टेड डोमेस्टिक सेविंग रेट आई थिंक अबाउट सेवन है अगर हम इसको इंडिया और बांग्लादेश से कंपेयर करें वहाँ थर्टी टू थर्टी है सौ रुपये में से लोग तीस रुपये सेव करते हैं हमारे यहाँ सात रुपये सेव करते हैं राइट right. उसके दो रीज़न्स हैं एक तो लोगों की जो है ना बेसिकली अगर आप कहेंगे जो डिस्पोजेबल इनकम है वो कम है तो hmm. उनके पास पैसा अपना खर्चा पूरे करने के, के, के बाद बचता ही कम है राइट right. लेकिन अगर बचता भी है तो लोगों के पास ऑप्शन जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि लोगों को समझ में नहीं आते कि कहाँ उस पैसे को सेव करें तो रात दिन उस पैसे को संदूक में रखें या फिर उसको कहीं भी ऐसे रखें जहाँ कोई अर्निंग नहीं होती वो कहते हैं माइट एज वेल स्पेंडेड राइट right. क्योंकि सेविंग करने में तो कोई फ़ायदा नहीं है रुपए की वैल्यू मुसलसल गिरती रहती है इन्फ्लेशन की वजह से तो ये म्यूचुअल फंड का जो प्रोडक्ट है बहुत अच्छा प्रोडक्ट है आपने बिल्कुल सही कहा कि प्रॉपर्टी मार्केट रियल इस्टेट मार्केट पाकिस्तान में बहुत अच्छी चलती रही है लेकिन ज़ाहिर है कि अब जो जो प्राइस है ना वो एक आम आदमी की रीच के लिए नहीं अगर मेरे पास पचास हज़ार रुपये महीने के सेव हो रहे हैं तो मैं उससे कोई प्लॉट नहीं ख़रीद सकता वो जब पाँच करोड़ हो जाएंगे तब मैं ज़रूर ख़रीद लूँगा लेकिन पचास हज़ार में नहीं ख़रीद सकता तो ये जो म्यूचुअल oh. फंड का जो प्रोडक्ट है वो इसी तरह का प्रोडक्ट है कि ये छोटे इन्वेस्टर्स से पैसे जमा किए जाते हैं उसका एक पूल बनाया जाता है और उस पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है और इसके डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं अगर ज़ाहिर है हर आदमी की एक रिस्क लेने की सलाहियत डिफरेंट होती है कोई आदमी कहता है मुझे बड़ी स्टेबल इनकम चाहिए क्योंकि मैं तो अपना घर का खर्चा इसी सेविंग से चलाऊँगा मैं एक रिटायर्ड आदमी हूँ तो उसके लिए बड़ी सेफ़ इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स हैं जिसको मनी मार्केट फंड कहा जाता है फिर कुछ लोग कहते हैं कि मैं तो यंग हूँ मेरी एक रेगुलर इनकम है तो मैं तो ये पैसा अपने रिटायरमेंट के लिए सेव कर रहा हूँ उसके लिए रिटायरमेंट प्रोडक्ट्स हैं जिसको पेंशन फ़ंड कहते हैं हमारा मीज़ान तहफ़ पेंशन फ़ंड है अगेन पाकिस्तान का सबसे बड़ा ये वॉल्ट्री पेंशन फ़ंड है इस तरीके से कुछ लोग कहते हैं कि भाई मैं अपना एक रेगुलर इनकम कर रहा हूँ या सैलरी कर रहा हूँ या मैं डॉक्टर हूँ तो एक रेगुलर इनकम कर रहा हूँ अब मैं जो पैसे सेव कर रहा हूँ इसलिए सेव कर रहा हूँ कि आज से दस साल बाद मैं अपना घर बना लूँ या अपने बच्चों की जब एजुकेशन है मेरे बच्चे अभी दो तीन साल के हैं या अभी मैंने शादी की है जब वो सोलह अट्ठारह साल के होंगे तो उनको यूनिवर्सिटी भेजना होगा या ये कि मैं चाहता हूँ कि अभी पैसे सेव करूँ ताकि दो तीन साल में एक दफ़ा एक अपनी फैमिली के साथ वेकेशन जा सकूँ तो ये डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव होते हैं तो म्यूचुअल फंड्स का कमाल यही है कि हर इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के लिए एक डिफरेंट प्रोडक्ट मौजूद होती है हमारे पास तकरीबन इस वक्त अट्ठारह के करीब डिफरेंट म्यूचुअल फ़ंड्स हैं और हर एक का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव डिफरेंट है उसका रिस्क प्रोफाइल डिफरेंट है रिटर्न और हम ये करते हैं कि जब हमारे पास कोई इन्वेस्टर आता है पोटेंशियल इन्वेस्टर तो उसका एक रिस्क असेसमेंट करते हैं उससे कुछ सवाल बुनियादी पूछे जाते हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है इन्वेस्टमेंट का उसके रिस्क लेने की सलाहियत कितनी है उसको लिक्विडिटी की कितनी रिक्वायरमेंट है वो कितने साल के लिए पैसे इन्वेस्ट करना चाह रहा है इस तरह मोटे मोटे कुछ सात आठ सवाल हैं उसके बेसिस पे डिटरमिन किया जाता है कि वो कितना रिस्क लेने की सलाहियत रखता है और उसके बेसिस पे डिफरेंट प्रोडक्ट्स उसको रिकमेंड की जाती है राइट बिफोर वी गेट द डिटेल्स ऑफ द प्रोडक्ट्स तो मुझे भी यह बात पता है कि यू नो अल मीजान बैंक इज वन ऑफ यूर प्राइम पेरेंट कंपनी कह लेंट प्राइमरीज आर वेरी बिग ऑन श्री जी राइट वट्स द डिफरेंस है पीपल ऑपरेट ओके ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया है देखें बात यह है कि पाकिस्तान में बैंक तो बहुत अरसे हैं इसी तरीके से ऐसे मैनेजमेंट कंपनी भी प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर में एनआईटी और आई पहले से मौजूद थी तो मीज़ान ने जो एक जो वैल्यू वैल्यूडिशन किया ना मार्केट में वो वही किए कि हमारा जो कॉन्सेप्ट था हमारा जो विजन था टू मेक शरिया कम्पलाइंट बैंकिंग फर्स्ट चॉइस फॉर द इन्वेस्टर फॉर मीज़ान बैंक एंड टू मेक शरिया कम्पलाइंट इन्वेस्टिंग फ़र्स्ट चॉइस फॉर द इन्वेस्टर्स वो था मीज़ान इन्वेस्टमेंट का विज़न right. और ये ऑब्जेक्टिव था कि लोगों को हलाल तरीके से पैसे कमाने की सलाहियत दी जाए क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है कि जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो सूदी कारोबार पर मुनसर रहा है हमेशा से तो उसके लिए एक पूरा फ्रेमवर्क बनाया गया और हमारे जो शरिया बोर्ड है उसके जो चेयरमैन है हैज़रत तक मौलाना तकी उस्मानी साहब हैं वो इज़ एन अथॉरिटी इन शरिया नॉट ओनली इन पाकिस्तान बट ग्लोबली माशाल्लाह से तो वो बहुत सारी ग्लोबली बैंक्स के शरिया बोर्ड पे वो रह चुके हैं म्यूचुअल फंड्स एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के भी बहुत सारे शरिया बोर्ड पर रहे इंटरनेशनली तो उसका एक पूरा फ्रेमवर्क है जिसकी इस वक्त मैं डिटेल में तो नहीं जाऊँगा हमारी वेबसाइट पर सारी डिटेल मौजूद है लेकिन बेसिकली ये है कि जो जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसके जो भी कारोबार करने के तरीक़े हैं वो हलाल तरीक़े हैं जिस तरह डिफ़ाइन है जिस तरह आपको मालूम है कि गोश या जानवर काटने का कोई तरीका है उसको हलाल करके ज़िबा करके खाने का अलग तरीक़ा है और जो हाँ, हलाल नहीं होता है तो वही गोश होता है वही बकरा होता है लेकिन हम दूसरी कंट्रीज़ में जाते हैं तो हम वो गोश नहीं खाते हैं क्योंकि वो हलाल नहीं होता तो एक प्रोसेस है और इस प्रोसेस को फॉलो किया जाता है शरिया गाइडलाइंस को और एक सबसे बड़ा बुनियादी फ़र्क यह है कि जो भी ट्रांजेक्शन की जाती है वो उसमें एसेट बैक्ड होती है शरिया कम्प्लान इन्वेस्टिंग में शरिया कम्प्लेंट बैंकिंग में कोई उसके पीछे एसेट होनी चाहिए इसीलिए जो बहुत सारी इस तरह की जो सिंपल प्रोडक्ट्स हैं जैसे डेरीवेटिवज़ हैं ऑप्शन वगैरह हैं वो इस्लामिक इन्वेस्टमेंट में ओलाव नहीं होती हैं राइट right. वो जो बहुत हाईली रिस्क भी जी जी वो रिस्क भी बहुत ज्यादा होता है right. आप देखें ये जो दो आद में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था तो ये जो क्राइसिस आने की सबसे बड़ी बुनियादी वजह यही थी कि इस तरह के स्ट्रक्चर्स थे जो बहुत ही हाईली रिस्की थे और जिनके पीछे कोई एसेट नहीं था राइट right. अच्छा मुझे ये बताएं कि म्यूचुअल फंड्स के अंदर विद इन द म्यूचुअल क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं इन टर्म्स ऑफ के अगर मैं कहता हूँ आपने कहा रिस्क प्रोफाइल है और उस रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से मल्टीपल डिफरेंट जी बिल्कुल uh, चीज़ों में इन्वेस्ट कर जी, के तो उसमें फॉर उसमें ये होता है कि आप देखें आपकी एक तो जैसे मैंने कहा चार पाँच फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं आप कितने अर्से के लिए इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं आपकी एबिलिटी टू टेक रिस्क कितनी है और एबिलिटी टू टेक रिस्क की बात करते हैं तो हम बात करते हैं वॉल्टिलिटी ऑफ़ द इन्वेस्टमेंट के अगर एक आदमी है उसके लेट से उसकी दो लाख रुपए महाना आमदनी है वो कहते हैं है, पचास हज़ार रुपये सेव कर लूँगा तो उसका खर्चा डेढ़ लाख है अब वो डेढ़ लाख खर्चा है उसको पचास हज़ार रुपये उसकी वैल्यू ऊपर हो नीचे हो शॉर्ट टर्म में उसको फ़र्क नहीं पड़ता नहीं। नहीं। तो वो कहता है ठीक है मेरे लिए तो कोई इशू नहीं है मैं इसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ जब मैं अगर लंबे अर्स के लिए हाई रिस्क प्रोडक्ट में जो कि स्टॉक मार्केट रिलेटेड उसमें इन्वेस्टमेंट करूँगा तो मेरा रिटर्न भी तकरीबन अट्ठारह के करीब आ जाएगा लेकिन एक आदमी है वो कहता है मैं रिटायर्ड हूँ और मेरी पेंशन आती है पचास हज़ार महीना और जो पचास हज़ार रुपये महीना आती है या एक लाख रुपये महीना आती है उसमें से मैं कुछ सेव कर लेता हूँ बाकी जो है मैं खर्च करता हूँ लेकिन मैं सेव कर रहा हूँ उसका भी ऑब्जेक्टिव यही है कि मेरा घर का किचन का खर्चा चलता रहे तो उस तरह की जब इन्वेस्टमेंट है या कोई आदमी रिटायर हुआ उसके बाद पचास लाख रुपये उसको प्रोविडेंट फंड कंपनी की तरफ से मिल गया अब वो कहता है कि मेरे पास अब कोई रेगुलर इनकम नहीं है ये जो पैसा मैं म्यूचुअल फंड में लगाऊंगा उसी के ऊपर जो इनकम आएगी उससे मैं अपना घर का खर्चा चलाऊंगा तो ये ऑब्वियसली उसके लिए लो रिस्क प्रोडक्ट उसके लिए ज़्यादा सूटेबल है उसके लिए हम रिकमेंड करते हैं मनी मार्केट फंड को जहाँ पे वॉल्टिवली बहुत कम होती है रिटर्न भी उसका रिलेटिवली कम होता है कोशिश ये होती है कि वो इन्फ्लेशन को कवर कर ले, लेकिन इन्फ्लेशन से ज़्यादा उसका रिटर्न ज़्यादा नहीं होता राइट इस तरीके से बैलेंस फंड है फिर रिटायरमेंट फंड्स हैं तो गवर्नमेंट uh, सिक्योरिटीज़ के फंड्स हैं जो लोग तो प्रेफर करते हैं कि भाई हम लो रिस्क लेना चाह रहे हैं लेकिन जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं जैसे ट्रेजरी बिल वगैरह होता है तो ट्रेजरी बिल जो कि इस्लामिक प्रोडक्ट नहीं है तो गवर्नमेंट उसके लिए सुकूक इशू करती है राइट right. तो वो सुकूक फंड्स हैं हमारे एंड अगेन सुकूक सुकूक इज इज बैक बैक बाय बाय एसेट्स तो एसेट तो जी बिल्कुल राइट right. तो इस तरह के डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं जो कि हर आदमी अपनी रिक्वायरमेंट को कर सके इसके अलावा हमारे पास इन्वेस्टमेंट प्लान भी होते हैं कि एक आदमी चाहता है कि मैं हज के लिए सेव करना चाह रहा हूँ hmm. तो ये टारगेट बेस्ड इन्वेस्टिंग उसको कहते हैं कि मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं पाँच साल पर हज के लिए जाना चाहता हूँ right. तो हम उसको बताते हैं कि अच्छा तुम ये करो कि तुम्हें हर महीने इतने पैसे इन्वेस्ट करने हैं ताकि तुम्हारे पास इतना सम हो जाए कि पाँच साल में हज कर सको right. या कोई कहता है कि मैं अपनी शादी के लिए पैसे जमा करना चाह रहा हूँ या अपने बच्चों की शादी के लिए तो उसका इन्वेस्टमेंट प्लान बना देते हैं हम उसका सिमिलरली वो कहता है कि मैं अपने घर बनाना चाह रहा हूँ अब घर बनाने के लिए जाहिर है जिस तरह प्रॉपर्टी की प्राइस हैं तो उसके लिए पॉसिबल नहीं है कि ओवरनाइट बना ले उसको अगले आठ दस पंद्रह साल तक सेव करना पड़ेगा घर बनाने के लिए तो ये डिफरेंट टारगेट बेस्ड भी इन्वेस्टमेंट प्लान्स मौजूद होते हैं राइट म्यूचुअल फंड्स जाहिर है इसमें ऑप्शंस बहुत सारी हैं इफ़ आई वर्स टू फॉर एग्जांपल गेट इनटू इट क्योंकि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड अनफॉर्चुनेटली बैंकिंग एंड इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में सो मच पेपर वर्क एंड इतनी सारी टर्म्स आ जाती हैं कि लोग कहते हैं mm. यार मिस कराओ नहीं ही नहीं करते वट्स द वे टू गेट इन सो फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ मेरे पास uh, एक स्टैंडर्ड चार्ट में अकाउंट है और मीज़ान में नहीं है फॉर एग्जाम्पल बट आई वॉन्ट टू इन्वेस्ट विद आल मीज़ान In right. uh, देखिए उसका बड़ा सिंपल प्रोसेस है और उसके लिए हमने एक काम ये किया है कि हमने बहुत सारी एनिमेटेड वीडियोस जो है अपनी वेबसाइट पर डाली हुई हैं जो आपको बताती हैं कि आप अपना अकाउंट कैसे खोल सकते हैं आप इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं लेकिन मैं थोड़ा सा ब्रीफली यहाँ भी बता देता हूँ तो मैं अर्ज करूँगा आपके व्यूअर्स को कि उन वीडियोस को देखें तो वो कंप्लीट प्रोसेस फ्लो बताता है उसमें लेकिन इसके अलावा चूँकि एक तो पेपर बेस्ड सॉल्यूशन है जो कि हमेशा से चलता रहे कि आप एक अकाउंट ओपन करते हैं और अकाउंट ओपन करने के लिए हमारे जो है आ, हमारे जो टोल फ्री नंबर है जीरो एट हंड्रेड हलाल उस पर जाके आप जो है बेसिकली कॉल कर सकते हैं और हमारे जो इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र्स हैं उनको बुला सकते हैं वो आके आपको अपना पेपर वर्क करवा देंगे वो आपके एड्रेस पे आ जाएगा वो जी बिल्कुल जहां आप कहेंगे जहां आपकी लोकेशन पे चाहे आप घर पे बुलाना चाह रहे हैं दफ्तर में बुलाना चाह रहे हैं वो आपके पास आ जाएगा आपको फैसिलिटेट कर देगा अकाउंट ओपनिंग में Right. इन्वेस्टमेंट में एक तो ये तरीका आप लोगों कितना डिटेल नेटवर्क है इन टर्म्स ऑफ अगर जी, के हमारा ये कि हमारे जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है अलमितावेस्टमेंट की पच्चीस ब्रांचेज हैं राइट right. और इसके अलावा मीजान बैंक की भी आठ सौ ब्रांचे हैं right. तो हमारी प्रोडक्ट हर जगह से अवेलेबल है right. तो अगर आप देखेंगे बहुत आसान है या तो आप उनको बुला लें या किसी भी मीजान बैंक की ब्रांच को विजिट कर लें या इन्वेस्टमेंट की ब्रांच को विजिट कर लें यह ट्रेडिशनल तरीका है जहां आप पेपर अकाउंट ओपनिंग फॉर्म फिल करते हैं उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो जमा करा देते हैं आपका अकाउंट ओपन हो जाता है सिर्फ एक रिक्वायरमेंट यही होती है सबसे बड़ी कि आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए क्योंकि हम कैश नहीं लेते राइट right. तो बैंक अकाउंट आपका चेक जो भी बैंक हो ड हैव टू मैदान बैंक स्टैंडर्ड चार्टर्ड है यू पी एल है एच बी एल है किसी बैंक में आप अपना अकाउंट है आप वहाँ से पैसे चेक लिख के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ठीक है दूसरा जो अब चुके बहुत रिसेंटली ये हुआ है कि कोविड uh, के बाद ऑब्वियसली एक डिजिटल uh, ट्रांसफॉर्मेशन पाकिस्तान में काफ़ी पेसअप कर गया है तो अब ये डिजिटल अकाउंट ओपनिंग भी है जिससे पेपरलेस तो उसका तरीका ये है कि हमारी मोबाइल ऐप है और हमारा जो वेबसाइट है वहाँ आप जाके डिजिटल अकाउंट ओपन कर सकते हैं इट इज़ ए कम्प्लीटली पेपरलेस सोल्यूशन आप वहीं अपना ऑनलाइन फॉर्म जो है फिल करेंगे वहाँ जो रिक्वायरमेंट्स है सीएनआईसी सी, सी वगैरह जो भी डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होती है वो अपलोड करेंगे और आपका अकाउंट विद विद इन इन नेक्स्ट वन डे और विद इन मैक्सिमम टू डेज जो भी ड्यू डिलीजेंस इसकी रिक्वायर्ड होती है जो हमारा कम्पलाइंस चेक करता है आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा right. और फिर आप उसके थ्रू ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं फिंगर प्रिंटिंग वगैरह की जरूरत पड़ती फिंगर प्रिंट की जी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है अभी तक तो एटलीस्ट पाकिस्तान में म्यूचुअल फंड के लिए नहीं है क्योंकि आप यू डोंट हैव टू गो बिल्कुल और आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अब हम आ, कोशिश कर रहे हैं कि स्टेट बैंक एक नया प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं रास्त प्रोग्राम राइट right. वो रास प्रोग्राम जो है और भी इजी है और उसमें भी अगेन आप इन्वेस्टमेंट जो है वो रास प्रोग्राम के थ्रू म्यूचुअल फंड में भी इन बहुत जल्दी अगले साल उम्मीद है कि मार्च तक ये प्रोसेस हो जाएगा uh -huh. तो फिर ये और भी ज़्यादा एफिशेंट हो जाएगा लेकिन right. मैं बताना चाहूँगा कि ये अब जो अकाउंट ओपनिंग का तरीका है वो बहुत ही आसान हो गया है अब ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास अकाउंट वो डिजिटल अकाउंट खुल रहे हैं और ना सिर्फ पाकिस्तानियों की तरफ से डिजिटल अकाउंट खुल रहे हैं बल्कि जो हमारे बैरून मल्क पाकिस्तानी भाई हैं जिनके लिए स्टेट बैंक ने रोशन डिजिटल अकाउंट शुरू किया था बैंकिंग के लिए right. वो रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं राइट right. सो so, अगर फॉर एग्जांपल कोई चाहता है कि मैं यू नो you know, पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करूँ तो वो म्यूचुअल फंडस के थ्रू डायरेक्ट डिजिटली क्योंकि आई फील है कि जो आपके स्टॉक मार्केट के अंदर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसके लिए इट्स तो इट बिट कॉम्प्लिकेटेड आई चेक दैट थोड़ा सा पहले जी जी दिस वे दे कैन जस्ट डू इट ऑल ऑफ इट इज डिजिटल एंड एंड वो बस अपने डिजिटल से ट्रांसफर करेंगे देन यू नो बिल्कुल आसान है और फिर स्टॉक मार्केट में जब आप इन्वेस्ट खुद करते हैं तो आपको देखना पड़ता है कि आपने कौन सी कंपनी लेनी है किस प्राइस पर खरीदना है हुँ. तो ये बेसिकली जब म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट इसको प्रोफेशनली मैनेज हो जाता है प्रोफेशनल मैनेज हो जाता है जैसे फॉर एग्जाम्पल थोड़ी सी मैं सिंपल मिसाल दूँ अगर तो अगर आप कहें कि अगर आपके सर में दर्द है तो आप कहेंगे मैं जाके फार्मेसी से पेनोडॉल खरीद लूँ तो छोटी मोटी चीज़ के लिए तो ठीक है लेकिन अगर आपके पेट में भी दर्द है साथ में या आपका स्टमक अपसेट है तो ऑब्वियसली आप डॉक्टर के पास जाते हैं राइट right. और डॉक्टर से पूछ के फिर अपना डिसाइड करते हैं कि कौन सी दवाई खानी है डायरेक्ट फार्मेसी पे नहीं जाते हैं राइट right. तो स्टॉक मार्केट इज़ लाइक अ फार्मेसी एंड म्यूचुअल फंड इज़ लाइक अ डॉक्टर तो आप डॉक्टर के पास जाएँ डॉक्टर से पूछें मेरे लिए कौन सी प्रोडक्ट सूटेबल है और फिर उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट करें और वो पैसे आप प्रोफेशनल फ़ंड मैनेजर को देते हैं वो आपके ब्याप में इन्वेस्ट कर देते हैं और जो फंड मैनेजर है उसकी मतलब इस सारे प्रोसेस के अंदर वो आप, मेरे पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल इट से कि वो Um, एक लाख रुपए में इन्वेस्ट करता हूँ तो वो क्या करता है वो एक लाख रुपए जाके किसी एक कंपनी में डाल देता है या हाउ जी नहीं देखें इसमें डिपेंड करता है कि अगर पहले तो आप कौन से फ़ंड में जा रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है अगर हम इक्विटी फंड की बात करते हैं स्टॉक मार्केट के फंड की तो वो डेफिनेटली वो पे डाइवर्सीफाई करता है right. तो वो बहुत सारे एनालाइज करता है कि इस वक्त टेक्सटाइल की सूरत हाल कैसी है सीमेंट की सूरत हाल कैसी है आटोमोबाइल की क्या सूरत हाल है बैकिंग सेक्टर की क्या सूरत हाल है ऑयल एंड गैस की क्या है और उसको वो डाइवर्सीफाई करके इन्वेस्ट करता है राहद नहीं के एक कंपनी में इन्वेस्ट करें एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाया जाता है और उस पैसे उस डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में आपके पैसे इन्वेस्ट होते हैं राइट और उसमें फिर दो तरह की इनकम आती है एक तो डिविडेंड इनकम आता है और एक कैपिटल गेन आता है तो जहाँ तक डिविडेंड इनकम का ताल्लुक है वो तो जितनी डिविडेंड इनकम आती है हम साल के एंड में जो फंड है अपने यूनिट होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है राइट right. उसमें भी एक हम ऑप्शन देते हैं इन्वेस्टर्स को कि वो चाहे तो वो पैसे को अपने बैंक अकाउंट में ले लें डिविडेंड इनकम के तौर पे और नहीं तो वो कहें कि मैं इसको कंटिन्यू करना चाहता हूँ इन्वेस्टमेंट में तो right. उसको एक नया तो कंपाउंड, हो रहे कंपाउंड रहे होता कम्पाउंड रहता हो रहा है बिल्कुल राइट right. और कैपिटल गेन्स जो है वो उसके ऊपर टैक्स पड़ता है आपको अगर जी कैपिटल गेन में ये बहुत अच्छी फैसिलिटी है म्यूचुअल फंड के हवाले से कि जब आप खुद डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आप जब भी कोई शेयर सेल करते हैं तो उस पर जो भी कैपिटल गेन होता है उस पर इमीडिएटली आपको टैक्स देना पड़ता है जबकि म्यूचुअल फंड में ये कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट है म्यूचुअल फंड में कॉन्सेप्ट ये है कि आप जब इन्वेस्ट करते हैं और उसमें म्यूचुअल फंड मैनेजर उस शेयर बाई सेल करता रहता है उस उसमें कैपिटल गेन उसको मिलता ज़रूर है लेकिन उस पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता अच्छा। लेकिन जब इन्वेस्टर जब अपने पैसे वापस निकालते हैं म्यूचुअल फंड से उस वक्त जितना उसका कैपिटल गेन हुआ है उसके ऊपर उसको टैक्स देना पड़ता है अगर वो चार साल से पहले पैसे निकाल ले राइट लेकिन जो पैसा वो चार साल से ऊपर छोड़ देता है यानी एक लाख रुपए आपने आज 25 नवंबर 2021 में इन्वेस्टमेंट किए हैं अब 25 नवंबर 2025 हो गया चार साल पूरे हो गए अब भी आपने ये पैसे जो इन्वेस्टमेंट किए थे उसके ऊपर अगर जो भी चार साल बाद कैपिटल गेन होगा उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना अच्छा सो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स जनरली जो है वो प्रोमोट हो मतलब इंकरेज की जाए जी बिल्कुल उस हिसाब मैंने ये भी सुना है कि जो म्यूचुअल फंड्स में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो अगर आपका जो कन्वेंशनल इनकम टैक्स कट रहा होता है उसके ऊपर आपको वो भी मिलता है यू गेट सम सॉर्ट ऑफ वेवर और 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 के म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के ऊपर आई बिलीव जी म्यूचुअल फ़ंड में एक तो मैंने ये कैपिटल गेन का एडवांटेज बता दिया दूसरा बड़ा एडवांटेज ये है कि जो आप आपकी जो आमदनी है उस पर ज़्यादा इनकम टैक्स लगता है right. अब आपकी चाहे वो सैलरीड इनकम है चाहे आपकी वो बिज़नेस इनकम है चाहे आप प्रोफेशनल हैं तो डॉक्टर हैं इंजीनियर हैं तो आपकी वहाँ से अपनी जो कंसल्टेंसी की इनकम है hmm. इन सब पे टैक्स लगता है तो म्यूचुअल फ़ंड इन्वेस्टर्स को प्रोमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने ये किया है एफबीआर ने ये किया है कि आप जो अपने पैसे आपकी सालाना आमदनी है उसका अप टू ट्वेंटी परसेंट आप म्यूचुअल फ़ंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं और करने को तो आप हंड्रेड परसेंट भी कर सकते हैं लेकिन है। अगर आप ट्वेंटी तक इन्वेस्ट करेंगे तो उस ट्वेंटी के ऊपर आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा यानी अच्छा। कि अगर फॉर एग्जाम्पल मेरी सालाना मेरी आमदनी सालाना आमदनी एक लाख रुपये है एक लाख रुपए के ऊपर मैं अगर बीस हजार रुपये म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देता हूँ और ये कमिटमेंट करता हूँ कि मैं दो साल तक इसको विद्रॉ नहीं करूंगा राइट तो मेरी टैक्सीबल इनकम एक लाख नहीं काउंट होगी बल्कि वो अस्सी हजार काउंट होगा सालाना इनकम है जी तो मेरी चालीस लाख काउंट होगी बिल्कुल आप पचास लाख पे टैक्स नहीं देंगे आप चालीस लाख पे टैक्स देंगे राइट राइट लेकिन उसमें एक लिमिट है म्यूचुअल फंड में टोटल मैक्सिमम जो टैक्स एक्समेशन है वो बीस लाख रुपए तक की है

ऑन रेजिंग ऑन अबाउट बड़ा जी बड़ी अच्छी प्रोडक्ट है बड़ा जो है उसे बड़ा अच्छा मिलता है मुझे कुछ समझ नहीं आई अच्छी बात है थोड़ा सा में थ्रू मैं दोनों दो, दो प्रोडक्ट्स जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं जिसके बारे में बताऊँगा ई टी एफ का आपको बताऊंगा और फिर एक पेंशन फंड के बारे में बताऊँगा बल्कि अगर आप मुझे याद हैं तो पहले पेंशन फंड बताऊँगा क्योंकि हम टैक्स के कॉन्टेक्स में बात कर रहे हैं राइट तो टैक्स के कॉन्टेक्स में लॉन्ग टर्म सेविंग को प्रोमोट करने के लिए एक और बहुत अच्छा स्टेप लिया हुआ है गवर्मेंट ने वो लिया हुआ है कि आप पेंशन फंड में इन्वेस्टमेंट करें और जब आप पेंशन फ़ंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपकी आमदनी का आप अगेन ट्वेंटी परसेंट ऑफ़ दी इनकम तक आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है अच्छा इसके अलावा अगर आप अगेन आपने कहा कि आपकी आमदनी पचास लाख रुपये सालाना है राइट right. तो आप उसमें से ट्वेंटी परसेंट लाख रुपये बनता है आप दस लाख रुपये पेंशन फंड में इन्वेस्टमेंट करें उस दस लाख रुपये के ऊपर आपको अगेन कोई टैक्स नहीं देना है ठीक है तो अगर आपने ये इन्वेस्टमेंट कर दी तो प्रैक्टिकली ये दस लाख भी टैक्स एक्डेंट हो गया ठीक है और पेंशन फंड इज़ अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जी

Hmm. तो जाहिर है वो साल में रिटायर हो जाएगा तो उसके पास चार साल है right. तीन चार साल इज नॉट अ वेरी लॉन्ग टर्म राइट तो इसलिए वहां पे हम उनको एडवाइस करते हैं कि आप अपना मीडियम रिस्क रिस्क में लेकिन आपकी तरह माशाल्लाह एक यंग बंदा है तो वो उसके पास अभी रिटायरमेंट में बीस पच्चीस साल है right. तो वहाँ जाके वो हम उसको हाई रिस्क में कहते हैं कि हाई रिस्क में इन्वेस्टमेंट करें यानी कि स्टॉक फंड में इन्वेस्टमेंट करें तो पेंशन के अंदर भी स्टॉक फंड का भी ऑप्शन है मनी मार्केट का भी ऑप्शन है तो रिटर्न जो है स्टॉक मार्केट में हिस्टोरिकली अगर आप देखें पाकिस्तान का पिछले 20 सालों का तो तकरीबन 17-18 परसेंट सालाना रहा है कंपाउंडेड राइट right. तो एक ये तो बहुत ही अच्छा रिटर्न हो गया right. लेकिन इसमें एक और बहुत बड़े एडवांटेजेज हैं टैक्स के हवाले से जो मैंने पहले कहा कि आपने दस लाख रुपये जो इन्वेस्टमेंट किए पचास लाख में उसके ऊपर आपने उस इनकम टैक्स पे इनकम इंक, पे इनकम टैक्स नहीं दिया राइट अच्छा फिर इस पैसे को जब तक आप इन्वेस्टमेंट आपकी रहेगी उस वक्त भी आप यानी आप साठ साल तक आपने इसको रखना मैंडेटरी है या कम से कम पच्चीस साल के लिए रखना ज़रूरी है राइट right. तो अगर आपने पैंतीस साल की उम्र में इन्वेस्टमेंट किया तो साठ साल तक आप उसको विड्रॉ नहीं करेंगे ठीक है और साठ साल में जब विड्रॉ करेंगे तो माशाल्लाह वो वैल्यू बहुत बढ़ गई होगी उस पर आप जब विद्रॉ करेंगे तो उस पर और इतने सालों में जो इनकम हुई उसके ऊपर उसके ऊपर भी कोई टैक्स नहीं है राइट और फिर जब आप विद्रॉ करेंगे तो आप फिफ्टी उसका यकमुश निकाल सकते हैं लेट से आपने पचास लाख इन्वेस्टमेंट किए थे ओवर ओर द लास्ट ट्वेंटी फाइव ईयर्स right. और अब वो पाँच करोड़ हो गए right. अब वो पाँच करोड़ रुपए में से ढाई करोड़ रुपए आप साठ साल की उम्र में विड्रॉ कर लेंगे ठीक है और ढाई करोड़ रुपए आप कोई टैक्स नहीं देंगे और बाकी ढाई करोड़ है उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि आपकी रिटायरमेंट के लिए तो आप उसको है. आपको हर महीने की उसकी किस्तें मिलेंगी इंस्टॉलमेंट में आपको पैसे वापस मिलेंगे इनकम वापस वो आपको ओवर अ पीरियड ऑफ दस साल में मिलेगी उसके ऊपर भी आप कोई टैक्स नहीं देंगे तो इट्स अ टोटली टैक्स फ्री स्ट्रक्चर विच इज़ एक्चुअली हैज बीन डेवलप्ड ऑन चिलियन मॉडल बेसिकली चिली में मॉडल है तो आप बिल्कुल एंड एग्जाम आपने जो पैसे लगाए वो एग्जाम्ट है uh. जो पैसे आपने उसके ऊपर लगाने के बाद जो उसके ऊपर रिटर्न कमाया वो एग्जाम है और right. तो जब आपने विदड्रॉ किया तब भी एग्जाम है right. तो ये बहुत ही अच्छा मॉडल है और जिसके और बारे में लोगों की अवेयरनेस बहुत कम है अभी और पेंशन फंड के ऊपर जो जो आपको डिविडेंड्स वगैरह मिल रहे हैं वो सारे री इन्वेस्ट हो रहे हैं उसमें जी सारे वो री इन्वेस्ट होते हैं वो सारे री इन्वेस्ट होते हैं उसमें आपको कैश फ्लो कुछ भी नहीं मिलता राइट आ, लेकिन तो इस वजह से वो जाहिर है जैसे ऑब्जेक्टिव यही है कि लोग अपने रिटायरमेंट के लिए सेव करें क्योंकि पाकिस्तान में देखें ये हो रहा है कि अब सारी दुनिया में हो रहा है लॉन्चविटी की बात है कि लोग अपनी जो पहले पचास पचास पचपन साठ साल की उम्र होती थी अब वो ज़्यादा जिंदा रहते हैं लेकिन रिटायरमेंट एज वही साठ साल है उसके बाद उनको सस्टेन करने के लिए पैसे चाहिए होते हैं राइट right. अगर मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ कि मैं इक्विटी फ़ंड में कर रहा हूँ जो कि हाई रिस्क है बट उसमें मैं कर रहा हूँ मैं अगले दस साल बीस साल के लिए नहीं निकाल रहा पैसे और मैं पेंशन में कर रहा हूँ क्या पेंशन में मुझे ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है पेंशन में आपको नॉर्मली ज़्यादा रिटर्न मिलता है इसलिए कि जब वो देखें पेंशन में क्योंकि फंड मैनेजर को एक एडवांटेज होता है उसे पता होता है कि ये पैसे विदड्रॉ करने कोई नहीं आएगा जबकि नॉर्मल म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टर्स को अलाउड होता है किसी दिन विद्रॉ कर लेंट right. तो अपनी वो सोच रखता है ना इन्वेस्टमेंट की तो बड़ी लॉन्ग टर्म कंपनीज में तो रखता है कि जहाँ लॉन्ग टर्म में ज़्यादा रिटर्न एक्सपेक्टेड होता है राइट right. तो वो थोड़ा रिस्क ज़्यादा ले सकता है उसकेस में तो जनरली यही होता है कि पेंशन फंड में जो कि फंड मैनेजर भी ये सोच के रखता है कि अब ये पैसा मेरे पास अगले दस पंद्रह बीस साल तक रहेगा उसको परेशानी नहीं होती कि इसको लिक्विडिटी मैनेज करने की परेशानी नहीं होती राइट जबकि नॉर्मल ओपन एंड फंड में चूँकि लिक्विडिटी मैनेज करनी होती है किसी भी वक्त कोई इन्वेस्टर आके पैसे वापस ले सकता है तो थोड़ा सा उसको लिक्विडिटी भी मैनेज करनी पड़ती है उसमें राइट एंड देन व्हाट अबाउट जी ई टी एफ हाँ ई टी एफ जो है ना ई जो है दुनिया भर में तो ई जो है ना वो बहुत ही पॉपुलर uh, कॉन्सेप्ट हो चुका है पाकिस्तान में बड़ा नया कॉन्सेप्ट है ई इज जस्ट लाइक अ बास्केट Okay. और ये होता है कि जो नॉर्मल म्यूचुअल फंड होता है उसमें फ़ंड मैनेजर का मर्जी होती है कि वो कहीं भी किसी भी फंड कंपनी में इन्वेस्ट करे hmm. लेकिन वो ये करते हैं कि महीने के एंड में आपको एक रिपोर्ट दे देते हैं और आपको बता देते हैं कि हमने कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट की हुई है और जो हमारी टॉप टेन इन्वेस्टमेंट है वो कहाँ पर हैं और उसमें कितना पैसा लगा हुआ है राइट ई टी में आप डे वन पे इन्वेस्टर को बता देते हैं कि ये हमारी आठ शेयर्स हैं या छः शेयर्स हैं या बारह शेयर्स हैं जिसमें मैं इन्वेस्ट करूंगा और बता देते हैं कि अगर एक लाख रुपए आप देंगे तो उसमें से दस हज़ार रुपये ओ में जाएंगे सात हज़ार रुपये एंग्रो कॉरपोरेशन में जाएंगे तीन हज़ार रुपये लकी सीमेंट में जाएंगे इस तरह से वो बता देते हैं उसको यही प्रोपोर्शन मेंटेन होता है तो इन्वेस्टर को डे वन पर पता होता है उसका पैसा कहाँ जा रहा है राइट right. और ई टी एफ इज़ समथिंग बिटवीन क्लोज एंड फंड एंड ओपन एंड फंड कि जब उसमें यह होता है कि आप जब पैसे देते हैं तो यूनिट क्रिएट हो जाते हैं right. और उसके अगेंस्ट आपको यूनिट इशू हो जाते हैं और उस पैसे को यूज़ करके वही जो प्रोपोर्शन जो बास्केट बनाई है फंड मैनेजर ने वो एक लाख रुपए इन्वेस्ट कर देता है राइट right. जब आप इसको विड्रॉ करते हैं विद्रॉ तो करने का तरीका ये होता है कि आप मार्केट मेकर के पास जाते हैं जो स्टॉक मार्केट में काम करते हैं और उनको कहते हैं मैं इसको विड्रॉ करना चाह रहा हूँ उस पैसे को तो वो उस जब विड्रॉ करने के लिए वो मार्केट मेकर है उसके बाद इन्वेंट्री मौजूद होती है वो शेयर सेल करके आपको पैसे दे देता है right. तो ई जो है उसका जो असल जो फ़ायदा है Uh, और जो कॉन्सेप्ट है ई का वो ये है कि uh, दुनिया भर में मार्केट्स आर सो एफिशिएंट कि वहाँ पे एक्टिव मैनेजमेंट से बहुत ज़्यादा पैसा बनाना मुश्किल होता है राइट right. तो इसलिए वो कहते हैं कि आप पहले से बता दें यही शेयर हैं यही इन्वेस्टमेंट करेंगे लोगों को सब कुछ पता होता है उसमें फ़ीस फिर कम होती है right. जो फंड मैनेजर की फ़ीस होती है वो कम होती है पाकिस्तान में जो है चूँकि मार्केट्स आर नॉट सो एफिशेंट देर आर मोर अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल तो पाकिस्तान में इतना पॉपुलर अभी नहीं है क्योंकि एक्टिव फंड मैनेजर्स हैं जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनका रिटर्न नॉर्मली ई से ज़्यादा होता है अच्छा लेकिन लेकिन दुनिया में ये है कि जो आप ऑब्जेक्टिव ई टी का ये है कि आप अपनी फीस जो फंड मैनेजर को दे रहे हैं वो मिनिमाइज कर लें हाँ। तो वो उसके लिए कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है राइट और ईटीएफ जो है वो भी लाइक फॉर एग्जाम्पल आपकी ऐप या इस तरह के थ्रू होता है या वो मैं डायरेक्ट स्टॉक मार्केट से भी आके उठा सकता हूँ जी आप स्टॉक मार्केट से भी ले सकते हैं ई टी एफ एक्चुअली स्टॉक मार्केट से तो आप लेते हैं लेकिन स्टॉक मार्केट में कुछ हमारे डिजिनेटेड मार्केट मेकर्स में, में, होते हैं कुछ फंड कुछ ब्रोकर हैं जो मार्केट मेकिंग करते हैं ठीक है तो अभी बहुत लिमिटेड तीन चार ब्रोकर हैं वो कर रहे हैं आप उनके पास जाकर वो ले सकते हैं तो यू डोंट हैव टू कम टू अर्स यू कैन गो डायरेक्टली टू द ब्रोकर

छः आठ दस स्टॉक्स की तो आपको पहले से पता होता है कि ये पैसा मैं कहाँ इन्वेस्ट कर रहा हूँ राइट right. और फिर उसमें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी भी होती है कि अगर वो आप देखते हैं कि उन शेयर्स की प्राइस कम है ई की प्राइस बढ़ गई है तो आप ई बेच के शेयर्स ख़रीद लें वो थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड प्रोडक्ट है और चूँकि पाकिस्तान में आपको पता है कि अभी म्यूचुअल फ़ंड अर्ली स्टेज में है तो वो सोफिस्टिकेटेड प्रोडक्ट इतनी अभी पॉपुलर नहीं हुई है इसमें राइट और इसके अंदर क्या कंपनीज अप एंड डाउन भी हो रही होती हैं जी जी बिल्कुल वही जिस तरह शेयर्स आपने ख़रीदे हुए हैं आपने एक बास्केट बनाई है आ, बास्केट में आपने कुछ आठ शेय ख़रीदे हुए हैं तो उनकी वैल्यू ऊपर नीचे होती नहीं, है एक तो वैल्यू ऊपर नीचे है फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि आपके मीज़ान ईटीएफ के अंदर आपने एक जेनेरिक ई टी है उसमें गी। गी। आपने जो है डाल दिया पेट्रोलियम का ई है उसके अंदर आपने डाल दिया फॉर एग्ज़ाम्पल नो अटक

जनरली uh, आपको पाकिस्तान में हाउ हाउ मेनी मेनी पीपल आर एक्टिवली इन्वेस्टिंग इन द द स्टॉक मार्केट लाइक व्हाट्स एवरेज नंबर ऑफ जी uh, ये बड़ा डिलेमा है बड़ा अनफॉर्चुनेट uh, है कि पाकिस्तान में जैसा आपको पता है कि तेईस करोड़ की आबादी है हुँ. और इस वक्त जो एक बुनियादी जो नंबर यूज़ होता है या कंसीडर किया जाता है कि तकरीबन तीन से साढ़े तीन लाख इन्वेस्टर्स हैं स्टॉक मार्केट में और म्यूचुअल फंड में भी तकरीबन साढ़े तीन से चार लाख के करीब इन्वेस्टर्स हैं राइट right. ये अच्छा, पूरे पाकिस्तान. ये पूरे पाकिस्तान की बात हो रही है अच्छा मैं आपको एक थोड़ा सा कंपैरिजन देना चाहूँगा कि इसको इंडिया से हमें कंपेयर करना चाहिए क्योंकि इंडिया में भी मोरलेस इकोनॉमिक सिचुएशन थोड़ी हमसे बेहतर जरूर है लेकिन मोरलेस ऐसी पर, है। पर, you know, पर क्या तो जी जी डी पी थोड़ा उनका ज़्यादा है हमसे हमारा ग्यारह बारह सौ डॉलर है उनका शायद उन्नीस सौ डॉर है राइट तो वो ज्यादा है और थोड़ी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी वहाँ ज़्यादा है लेकिन इसके बावजूद वहाँ पर जो जो मुझे लास्ट नंबर मैंने चेक किया था नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स इन म्यूचुअल फंड द हंड्रेड एंड ट्व मिलियन 112 million, नहीं, नहीं, एक सौ बारह मिलियन यानी एक अरब की पॉपुलेशन है या ए, एक वन पॉइंट टू ट्रिलियन की है तो तकरीबन ऑन एवरेज दस परसेंट लोग जो है ना वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं वहाँ पे राइट दस परसेंट हम बात करते हैं ना तो फिर हमें हाउस होल्ड देखना चाहिए ज़ाहिर एक घर में अगर चार आदमी हैं हाँ. तो चार आदमी तो शायद नहीं इन्वेस्ट करेंगे जाहिर उसमें एक नॉर्मली हमारे जो कल्चर है कि एक आदमी जो होता है वो ब्रेड अर्नर होता है बाकी right. जाहिर है उसकी वाइफ है बच्चे हैं तो वो नहीं अर्न कर रहे होते हैं Right. तो उस लिहाजा अगर देखें तो यानी कि तकरीबन फोर्टी परसेंट ऑफ़ द हाउस होल्ड इन्वेस्ट इन इंडिया अच्छा अब हमारे अगर आप देखें तो साढ़े तीन लाख इन्वेस्टर्स का मतलब है कि हार्डली एनी थिंग हार्डली एनी थिंग्यूज पोटेंशियल और इसीलिए अब हम अलमीजान जो है बहुत कोशिश करें डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की right. हम ये चाह रहे हैं कि जो हमारी पॉपुलेशन है सिक्सटी परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन इज एक्चुअली अंडर थर्टी ईयर्स एज और अब जो मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल इतना बढ़ गया है इस वक्त पाकिस्तान में एक सौ अस्सी मिलियन सिम्स हैं यानी आप देखें 230 मिलियन की पॉपुलेशन में 180 मिलियन से मिलें तो अगर आप मोबाइल के थ्रू लोगों को एक आसान तरीका दे सकें लोगों को एजुकेट करेंस कर, कर सकें इन्वेस्टमेंट के बारे में और फिर पेपरलेस इन्वेस्टमेंट करवा सकें तो मेरे ख्याल में एक बहुत अच्छी इसमें ब्रेक थ्रू की गुंजाइश मौजूद है राइट एंड अगेन आई एम नॉट आई एम नॉट जिसको समझ आती है तो दिस माइट बी अ डम क्वेश्चन बट फॉर एग्जांपल आपने कहा साढ़े तीन लाख इन्वेस्टर है अगर मैं कहता हूं कि ये साढ़े तीन लाख जब तीस लाख पे जाएगा so um, the demand side will grow yeah, the right? demand grow. of stocks demand of all of these things all of these yeah, products yeah. potentially um, how do you think will that impact if all else remains constant how will this impact like हाउ impact द प्राइस ऑफ इट बिकॉज सप्लाई साइड के ऊपर तो, तो वही स्टॉक्स हैं जी सप्लाई तो एक दो पोटेंशियल ये हो सकता है कि ठीक है क्योंकि मार्केट में प्राइस इतनी इन्फ्लेट होना शुरू हो गई है कि शायद आई पी ओ और होते हुए हमें नज़र आ जाएँ क्या वट वट पोटेंशियल जी आपने बिल्कुल ही? सही अच्छी बात आपने बिल्कुल ये देखें डिमांड और सप्लाई आर रिलेटिव इन दिस केस ऐसा नहीं है इट्स नॉट uh, जमीन नहीं है जमीन के केस में ये होता है कि जितनी ज़मीन है इतनी जमीन है ना अनलेस की रिक्लेम की जाए तो अगर जितने ज़्यादा डिमांड होगा उसकी प्राइसेस बढ़ती चली जाएंगी और यही पाकिस्तान में हम फिनल देख रहे हैं राइट right. कि बायर ज़्यादा हैं सेलर्स कम हैं तो प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं और बहुत ही हाई प्राइस जा रही हैं के केस में स्टॉक एक्सचेंज में केस में ये होता है कि ज़ाहिर डिमांड जैसे बढ़ेगी जितने hmm. नए इन्वेस्टर्स आएंगे तो फिर प्राइसेस भी ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे स्टॉक प्राइसेस भी और फिर नई कंपनीज लिस्टिंग के लिए भी आएंगी आज हमारे पास नई कंपनी लिस्टिंग के लिए इसलिए नहीं आती है वो कहती है कि हमें जितना लिस्टिंग का कॉस्ट है ना उसका बेनिफिट नज़र नहीं आता राइट right. जब उनको बेनिफिट नजर आएगा तो डेफिनेटली आएंगे और इस वक्त अगर हम देखें तो पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट अगर, अगर प्राइस अर्निंग मल्टीपल की बात करें तकरीबन तो फ़ाइव पॉइंट फोर के मल्टीपल में है अच्छा और दिस इज़ वन ऑफ द लोएस्ट अगर आप देखें कि हिस्ट्री में नाइनटीन नाइन्टी से मैं स्टॉक मार्केट को देख रहा हूँ दो दफ़ा ये मल्टीपल पाँच के नीचे आया या पाँच के करीब आया एक तो नाइनटीन नाइनटी एट में जब हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया था और एक दो हज़ार आठ के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में तो ये बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूशन हैं डिविडेंड डील इस वक्त बहुत अच्छी है Hmm. इन सब चीज़ों को देखते हुए देर ए ह्यूज अपसाइट फॉर द इन्वेस्टर्स तो उसको म्यूचुअल फंड के थ्रू लोगों को जरूर कैप्चर करना चाहिए राइट एंड देन इसी के अंदर ऑब्वियसली uh, ये वाली बात भी है you know, why, and, you know, कि यू नो वन ऑफ़ द रीजन्स वाई बिकॉज आई वॉज टॉकिंग टू समन रिगार्डिंग द इकॉनमी एंड यू नो दे टेलिंग मी कि पाकिस्तान इज़ अ वेरी सॉट ऑफ कंजम्पन बेस्ड इकॉनमी सो हम क्या करते हैं कि हम इन्वेस्ट हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं होती हमारा पैसा पड़ा हुआ है या तो हमें कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि पैसा ज़ाया हो रहा है या डिवैल्यू हो रहा है तो हमने इसको संदूक में या बैंक में रखा हुआ है या दूसरा तरीका ये है कि हमें कॉन्सेप्ट है कि पैसा ज़ाया हो रहा है लेकिन हम क्या करेंगे कहेंगे पैसा ज़ाया हो रहा है तो ज़ाया करने से बेहतर है कि इसको खर्च कर दें जी बिल्कुल अच्छा अगर ऐसा अगर हम होलिस्टिकली या माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो द वे टू टेक इट अवे फ्राम इज़ क्या हम आज कन्जम्पन करने के बजाय आज हम इन्वेस्ट करें ताकि हम कल को कंज्यूम कर सकें एंड सो दैट विल ड्राइव द इकोनॉमी टुवर्ड्स मोर यू नो इंडस्ट्रियलाइजेशन मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑन एंड सो बिल्कुल एंड सो इज राइट एनालिसिस कि अगर हम इफ वी कैन ड्राइव द पीपल के वो कंजम्पशन की बजाय वो आज इन्वेस्ट करना शुरू करें तो दैट विल ऑब्वियसली नॉट एग्जैक्टली बट

या तो इक्विटी की फॉर्म में होती है या डेट और फाइनेंसिंग की फॉर्म में होती है तो ये जो म्यूचुअल फंड के थ्रू पैसा आता है वो कहाँ जाता है बेसिकली जब हम लोगों से पैसा लेते हैं तो या तो हम उससे सुकूक ख़रीदते हैं तो वो कंपनीज़ को पैसा मिलता है ताकि वो अपने डेट बो पैसे बो कर सकें और इन्वेस्टमेंट कर सकें या हम शेयर्स ख़रीदते हैं जब हम शेयर्स ख़रीदेंगे तो ज़ाहिर है वो आई होंगे उसकी वजह से जब ऐसे मैंने कहा कि अगर प्राइस डिस्कवरी होगी तो आई होंगे तो लोगों को ये पैसा कंपनीज़ को पैसा मिलेगा यानी जो सरप्लस कैपिटल है सेवर्स का वो जाएगा इन्वेस्ट होगा और इन्वेस्ट जाके उन लोगों के पास जाएगा उस कैपिटल को अच्छी तरह डिप्लॉय कर सकते हैं आर कंपनीज़ एंड द गवर्नमेंट तो ये डेफिनेटली एक साइकिल है जिसमें बहुत तेज़ी से इंप्रूवमेंट आ सकती है अगर हमारा सेविंग रेट सात फीसद से बढ़ के आठ नौ दस फीसद तक हो जाता है और ऐसा नहीं है कि हमारा सेविंग रेट से इतना हाई नहीं रहा है हमारा सेविंग रेट पाकिस्तान का तकरीबन 16 फीसद तक रहा है इन द पास्ट right. लेकिन अब ग्रेजुअली हमारा सेविंग रेट कम हो गया है जिसकी वो वजह जिस से आपने कहा कि हम कंजम्पशन ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा हो गए hmm. और दूसरी बात है कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि किस तरह से सेव कर सकें राइट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपसे शेयर करूँगा कि इस वक्त जो बैंकों के जो डिपॉजिट्स हैं उन्नीस ट्रिलियन के डिपॉजिट्स हैं उन्नीस ट्रिलियन के डिपॉजिट में से जो करंट अकाउंट में पैसे हैं जिसके ऊपर इन्वेस्टर को जीरो रिटर्न मिलता है hmm. वो सेवन ट्रिलियन है सिक्स टू सेवन ट्रिलियन है यानी छः से सात ट्रिलियन रुपए हैं जिसके ऊपर लोगों को कोई रिटर्न नहीं मिलता राइट right. और जो करेंसी इन सर्कुलेशन है यानी कि जो लोगों के पास कैश है जो संदूकों में रखा हुआ है वो भी छः से सात ट्रिलियन है right. तो आप देख लेंगे तकरीबन चौदह ट्रिलियन रुपए जो है या तो इन्वेस्टर ने बैंक में रखा हुआ है जिसमें कोई रिटर्न hmm. नहीं मिल रहा या उसने बैंकिंग सिस्टम से बाहर रखा हुआ है ऑन द अदर एंड म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में जो टोटल पैसा है वो वन ट्रिलियन है राइट right. तो अगेन इस पैसे के इट्स अ वेरी थोड़ा भी अगर पैसा वहाँ से मूव होता है तो ये इंडस्ट्री का साइज बहुत तेज़ी से बढ़ सकता है जिसके लिए हम सबको मिलजुल के कोशिश करने की ज़रूरत है ताकि लोग अपने पैसे को अच्छी तरह से इन्वेस्ट कर सकें राइट right. uh, मुझे ये बताइएगा कि जनरली इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में कंसिडर होती है कहा जाता है जी बड़ा पैसा जो बड़ा पैसा वाला है वही पैसा बनाता है hmm. नो गरीब आदमी या hmm. चले गरीब ना भी कहें यू नो बहुत सारे आपने यूथ की बात की बहुत बड़ी पॉपुलेशन है यू नो आईव ट्राइड मैं स्टॉक ब्रोकर ऐप्स को रीच आउट करने की कोशिश की है क्या वो क्या जब तक आप एक सर्टेन स्टाइल से ना जाए ना सूट शूट पहन कर और hmm. आप जाके प्रटेंड करें कि यार मैं बहुत ही रिच बॉय हूँ और मैं जाके वो करूँगा वट्स यूर बायन आप uh, के लिए वट सॉर्ट ऑफ एन इन्वेस्टर इज इज़ अ गुड इन्वेस्टर देखिए हमारे लिए तो जो कॉन्सेप्ट है म्यूचुअल फंड का वो ये है कि एक ऐसा इन्वेस्टर जो कि पाँच हजार रुपये भी सेव कर सकता है वो हमारे पास अकाउंट खोल सकता है राइट तो अकाउंट खोलना तो इतने पाँच हज़ार रुपये से कम पे हम अकाउंट नहीं खोल सकते पाँच हज़ार इतने प्रीमियम इन्वेस्टमेंट और जिसको टॉपअप वो किसी भी अमाउंट से कर सकता है हर महीने वो पाँच सौ रुपये से करना चाहे हज़ार रुपये से करना चाहे वो कर सकता है तो चूँकि हम हमारा चूँकि जैसे मैंने कहा कि वॉल्यूम बहुत बड़ा होता है हमारे से दो सौ बिलियन रुपीज़ हैं तो हमारे तो ये उसी में ये पाँच हज़ार रुपये और हज़ार रुपये इसमें ऐड हो जाएंगे हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंटल काम नहीं होता इसके ऊपर right. क्योंकि हम कलेक्टिवली पैसे लेके और कलेक्टिवली कलेक्टिवलीवेस्ट करते यूनिट्स दे रहे होते हैं ना जी बिल्कुल तो इसलिए हमारे लिए तो हमारा फोकस तो यही कि भाई नए इन्वेस्टर्स आएँ छोटे इन्वेस्टर्स आएँ आज अगर स्टूडेंट्स जो है अपने पॉकेट मनी में से हज़ार रुपये इन्वेस्ट करेंगे तो कल ही ये बिज़नेस लीडर्स बनेंगे तो वो पाँच करोड़ रुपये भी इन्वेस्ट करेंगे right. इस तरीके से जो जो अपने करियर में यंग लोग हैं जिन्होंने अपना अपना सैलरी अभी शुरू की है अपना करियर शुरू किया है शुरू में वो पाँच सेव करेंगे कल जा वो पचास भी सेव करेंगे महीने का तो हमारे तो बिजनेस मॉडल ही म्यूचुअल फंड का बिजनेस मॉडल ही है कि रिटेल को किस तरह प्रमोट किया जाए राइट right. और उसी की हम कोशिश करते हैं आई थिंक प्रॉब्लली जो अच्छा आपने आइडेंटिफाई किया है दैट्स अ स्टूडेंट जो यंग प्रोफेशनल है उसके लिए बड़ा आसान होता है कि वो सैलरी सेल जाता है प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट दिखाते हैं दैट्स ईजी दो को मैं टारगेट करूँगा एक हाउस और एक स्टूडेंट्स इज वाट्स द प्रोसेस फॉर दम बिकॉज इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड इन पाकिस्तान टू गेट एन अकाउंट ओपन जस्ट अ बैंक अकाउंट ओपन फॉर अउस वाइफ इस लाइक किसी हस्बैंड का ये इलाके दें mm. फादर का ये इलाके दें स्टूडेंट um, मुझे याद है कि अभी मैंने पिछले दिनों एक आई डिटेड पॉडकास्ट विद के ट्रेड सिक्योरिटीज़ वेल एंड यू नो उनका भी यही था कि यू नो दिस के ये सारा का सारा इस तरह हो जैन पीपिल कॉमेंट सेन वी रीच आउट देर कॉम्प्लीशन आई डोट नो कि um, out, so mm -hmm. वो क्या हुआ hua वो wo resolve hui नहीं हुई बट अगर फॉर एग्जाम्पल नहीं ये बहुत ही देखिए आसान है इसमें यही बात होती है कि रेगुलेटर के साथ मिलकर इंडस्ट्री जो है कोशिश करती रहती है कि नए इन्वेस्टर को कैसे लाया जाए राइट उसी उसी वजह से एक अकाउंट कहला है सहूलत सरमाएकारी अकाउंट जिससे फंड में इन्वेस्टमेंट का एक आसान तरीका है Right. उसको सहूलत सरमाएकारी अकाउंट कह, कहते हैं उसमें भी वही रिक्वायरमेंट ये कि आप पाँच हज़ार रुपये से अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं लेकिन उसमें जो आपने कहा ना कि प्रूफ ऑफ इनकम और बहुत सारी डिटेल्स नहीं चाहिए होती हैं आपने बेसिकली अपना शनाख्ती कार्ड देना है ठीक है अपना शनाखती कार्ड देना है और अपने बैंक से पैसे ट्रांसफर करने है अकाउंट ओपन करके ठीक है तो उसमें लिमिट सिर्फ यही है कि आप दस लाख रुपये तक उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट एक साल में आप शायद मेरे ख्याल में इन वन को शायद चार लाख कर सकते हैं इन इन वन ईयर मैक्सिमम आठ लाख कर सकते हैं और ओवरऑल कैप उस पर दस लाख है ठीक है तो दस लाख रुपए कोई छोटा फिगर नहीं होता कोई स्टूडेंट तो तो के लिए या कोई अर्ली करियर वाले के लिए उसके लिए बड़ा आसान कर दिया गया है कि अप टू टेन लाख रुपीज़ के लिए कोई सवाल जवाब नहीं होते कि पैसे कहाँ से आए किस तरह से आए सी सी के बेस पर अकाउंट खोला जा सकता है हाउस वाइफ का आपने बिल्कुल सही कहा कि वहाँ थोड़ा सा चैलेंज है लेकिन हाउस वाइफ में भी अगेन यही है कि अगर वो अपने अपने फादर की या अपने हस्बैंड की वो सोर्स ऑफ इनकम डिक्लेयर कर दे तो फिर प्रोसेस बड़ा सिंपल हो जाता है उसमें तो काफ़ी फैसिलिटेशन हो रही है इसमें चीज़ें इंप्रूवमेंट की तरफ जा रही हैं और अगर फॉर एग्जांपल सहूलत वाला जो है वो चार साल वो स्टूडेंट था पाँच पाँच हज़ार डालता रहा था साठ हज़ार सालाना डाल डाल के दो लाख चालीस तीन लाख पाँच लाख जितने भी उसने डाल दिए फिर उसकी जॉब लग गई जी तो वो कन्वर्ट करवा सकता है अपना जी वो अपना उसने अप टू तो दस लाख रुपए तक तो उसी अकाउंट में कर सकता है आप दस लाख से उसके अमाउंट लेट कि उसका पोटेंशियल हो गया कि वो दस लाख से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है तो फिर उसके जो भी फर्दर पेपर वर्क रिक्वायर्ड होता है अपनी जॉब से रिलेटेड उसकी पे स्लिप वगैरह जो चाहिए होती है हमें वो देखे अपने अकाउंट को कन्वर्ट करवा सकता है ठीक नॉर्मल अकाउंट खुलवा सकता है वो अपना राइट हो गया सर दिस इज़ वेरी मच हेट मैं यहाँ पर एक छोटा सा कहते हैं कि and disclaimer this is not a sponsored podcast we did not take any money uh, from shiv Saf to do this one of the reasons why we're doing this is because um, biman stock skippers episodes and you guys really liked that and appreciated that and i personally think in pakistan we need to be investing more and consuming less at this point in time there's an economy problem uh, so that's one of the reasons why we talked a lot about this and particularly mizan was recommended within this podcast you can check this out Sarmaya.pk episode maybe mizan etf was uh, ट पॉडकास्ट नोट आई नो आपको भी आगे जाना है बट दिस पिछले छब्बीस साल से इन्वाल्व हैं पाकिस्तान की मनी मार्केट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट्स इवेस्टमेंट्स के अंदर यू नो आपने बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स टाइप्स की देखी हैं आपने 98 का यू नो न्यूक्लियर ब्लास्ट वाला टाइम भी देखा है टेरिजम एंड देन फाइनेंशियल क्राइसिस एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ एट दिस पॉइंटी पोस्ट कोविड हालात बुरे भी थे हालात बेहतर भी हुए हालात आजकल थोड़े से भी हैं mm -hmm. um, What are your thoughts on Pakistan 30 years from now, based on what you know now, right now, and and particularly जो आपको मनी मार्केट्स के बारे में पता है इकानी के बारे में पता है overall सोसाइटी का आप जिस तरह से शिफ्ट होता देख रहे हैं आप कैसा देख रहे हैं पाकिस्तान को तीस साल बाद देखिए बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है कि हमारी डायरेक्शन क्या है जब आप एक जर्नी पर जा रहे होते हैं हुँ. तो आप कहते हैं कि मैंने कराची से लाहौर जाना है या कराची से मुल्तान जाना है अगर आप सही डायरेक्शन में जा रहे होंगे तो आप पहुँच जाएंगे लेकिन आपकी डायरेक्शन ही ठीक नहीं होगी तो कहीं और पहुँचेंगे राइट तो अभी मैं ये कहूँगा कि हमारी अनफॉर्चुनेटली इन द पास जो रहा है ना हमारी डायरेक्शन ठीक नहीं रही है इकोनॉमी के लिहाज से और डायरेक्शन इसलिए ठीक नहीं रही है कि हमने हमेशा से आ, ये नहीं देखा कि हमारा बजट कितना है हमारा जो मुल्क का जो ख़र्चा है वो अपने रेवेन्यू से ज़्यादा रहा रहे right. उसकी वजह से इस वक्त हम एक डेट ट्रैप में फंस चुके हैं यानी हमारा जो फ़ॉरन करेंसी डेट है तकरीबन एक अरब डॉलर हो चुका है जब मैंने आई से ग्रेजुएट किया था नाइनटीन में तो मुझे याद है मैंने एक फॉरेन फॉरेन एड के ऊपर और फॉरेन लोन्स के ऊपर एक रिपोर्ट की थी उस वक्त उस वक्त हमारा जो फॉरेन डेट था वो तकरीबन थर्टी टू थर्टी फाइव बिलियन डॉलर के करीब था आज वो एक सौ बीस बिलियन डॉलर है राइट right. तो उसमें हर साल इजाफा होता चला जा रहा है हमें जाहिर है कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है हमें फाइनेंसिंग की ज़रूरत है वो तो रहेगी लेकिन हमें अपने रेवेन्यू को बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है और रेवेन्यू बढ़ाने के लिए जो हमारे पास नेचुरल रिसोस हैं उसमें हमें इन प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने की ज़रूरत है हम देखते हैं कि हमारी कॉटन क्रॉप जो थी वो तेरह चौदह सत्रह मिलियन बेल होती थी पिछले साल वो साढ़े छः मिलियन बेल हुई है वही ज़मीन यूज़ हो रही है प्रोडक्टिविटी कम हो गई है अनफॉर्चुनेटली तो प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने की ज़रूरत है नेचुरल रिसोसज़ में लेकिन नेचुरल रिसोर्स आर आर ज़ाहिर है जितनी ज़मीन इतनी ही रहेगी लेकिन हमारी इजाफा किस चीज़ में हो रहा है हमारी आबादी में इजाफा हो रहा है नैचुरल जो कहना चाहिए नेचुरल टैलेंट है ह्यूमन right. पावर है वो बहुत हमें ज़्यादा है हमारे पास यंग एजुकेटेड पॉपुलेशन में बहुत तेज़ी से इजाफा हो रहा है उसको हमें कैपिटलाइज करने की ज़रूरत है हमारी जो सॉफ्टवेयर की एक्सपोर्ट्स हैं वो पिछले साल तक एक अरब डॉलर से भी कम थी इंडिया की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो सौ अरब डॉलर से ज़्यादा हैं टेक्नोलॉजी की सॉफ्टवेयर की right. तो हमें अपने मैन पावर को ग्रूम करने की ज़रूरत है उनकी ट्रेनिंग करने की ज़रूरत है और इस तरीके से अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने की ज़रूरत है क्योंकि इस वक्त हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए इम्पोर्ट्स के ऊपर और फॉरेन लोन्स के ऊपर इस चीज़ को अगर हम ठीक कर लेंगे तो मैं समझता हूँ कि पोटेंशियल बहुत है हमारे पास जितने नेचुरल रिसोसेज हैं मैंने देखा है बहुत कम कंट्रीज़ के पास इतने नेचुरल रिसोर्स होते हैं जो हमारे पास यंग पॉपुलेशन है मैंने पहले भी कहा कि सिक्सटी परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन इज इन थर्टी ईयर्स ऑफ एज हमारे यहाँ बाई इन लार्ज आप देखें तो मोस्ट ऑफ द पीपल फेमिल लैंग्वेज का भी इशू नहीं है, है। उर्दू सीखते हैं या अपनी लोकल लैंग्वेज सीखते हैं लेकिन इंग्लिश भी सीखते हैं जबकि अगर आप देखें बहुत सारी कंट्रीज़ हैं कोरिया हो गया या चाइना हो गया या इस तरह से इस तरह की जो कंट्रीज़ हैं या जापान हो गया हुँ. तो वहाँ इंग्लिश नहीं सिखाई जाती लोगों को right. तो हमारे पास ये लोग हैं कॉल सेंटर्स का जो कॉन्सेप्ट है फिलीपींस में बहुत अच्छा चल रहा है इंडिया में बहुत अच्छा चल रहा है हमें अपने ह्यूमन रिसोर्स हैं उनको फुल प्रॉपरली यूटिलाइज़ करने की ज़रूरत है अगर हम अपने एजुकेशन को ठीक कर लेंगे उनके यूटिलाइजेशन को ठीक कर लेंगे तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए इन बहुत अच्छा होगा hopefully i i, I hope inshallah we, we, we should be able to do that Sab, thank you so much for coming in i know mm -hmm. that you had uh, you know a very important meetings and mm -hmm. time tha, but thank you so much for all the insight that you thank shared thank you thank you and, for hosting and, me. and i hope that, um, you know through you and a lot of other players in the market you know we're able to increase our savings and our investments and and the pakistan vision that achieve थैंक यू सो मच थैंक यू मुदाद एंड फॉर ऑल ऑफ यू गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग अगर वॉचिंग एपिसोड पसंद आई और दोस्तों यहाँ जरूर शेयर करेगा यूट्यूब वाले लाइक बटन दबाएंगे एंगेजमेंट बढ़ेगी ज़्यादा लोगों से हमारी कॉनमेज पहुंचेगी फेसबुक वाली नीचे दिए गई लिंक पर क्लिक कर सकते हैं जहाँ पर टी कम्युनिटी है हमारी जिस पर हम डिफरेंट आर्टिकल शेयर करते हैं फीडबैक लेते हैं गेस्ट रिकमेंडेशन भी लेते हैं सो यू कैन जॉइन दैट इ वेल ऑडियो प्लेटफॉर्म्स वाले सब्सक्राइब बटन दबाएंगे आने वाले अपीसोड का नोटिफिकेशन मिलेगी इसी के साथ साथ हमने एक नई पॉडकास्ट भी स्टार्ट किए तो पाकिस्तान पाइवेट के नाम से जहाँ पर हम डिफरेंट पॉलिसी मेकर्स गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और उन सबसे बात करते हैं जिस ट्राई टू अंडरस्टैंड के वाई आर टेकिंग decisions that they take. Uh, so you can check that out. The link is down below. Um, but anyways, this was Sagar Mazamil Sanzedi. You are watching Thought Behind Things. Thank you so much for watching and I'll see you in the next one.